What's up guys, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। कोल्ड कॉफ़ी डे आज YFL में। कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ, वो भी 4 अलग अलग तरीके की कोल्ड कॉफ़ी। और कई ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि वो जो फेमस कॉफ़ी चेन्स जो होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं जैसे स्टारबक्स वगैरह, उसमें कोल्ड कॉफ़ीज़ बनती है, फ्रैपेस फ्रैपुचिनोज़ बनते हैं। वो घर पर नहीं बनते आसानी से, थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। पर आज मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको हर एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि वो वाली सेम टेक्स्चर फ्लेवर वाली कॉफ़ी घर पर कैसे बना सकते हैं। जितने भी कॉफ़ी चेन्स हैं वो एक बेस यूज़ करते हैं जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। वो बेस कैसे घर पे बनाया जाता है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में कैरामल सॉस बनाएंगे जिससे एक कैरामल फ्रैपुचिनो बनाऊँगा। उसके बाद मोस्ट अवेटेड रेसिपी होममेड न्यूटेला चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड जो होता है वो कैसे बनता है घर पे, जिससे एक हेज़लनट चॉकलेट चिप फ्रैपुचिनो बनेगा। उसके बाद 2 एकदम सिंपल वाली कोल्ड कॉफ़ीज़ बनाऊँगा, आइस्ड कैरामल माकियाटो और एक फ्रॉथी वाली कोल्ड कॉफ़ी, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। घर पर आपके पास जो सामान है उसी से आपका जो मिल्क एकदम फ्रॉथी हो जाएगा और एकदम फ्रॉथी डिलिशियस कोल्ड कॉफ़ी बनेगी। ओवरऑल 4 कोल्ड कॉफ़ीज़ एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स YFL स्टाइल आपके साथ सबकी रेसिपी आज शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक गिव अवे भी अनाउंस कर रहा हूँ जिससे आप ये कोल्ड कॉफ़ी अपने घर पर एकदम आसानी से बना पाओगे। सबसे पहले इस कॉफ़ी का जो बेस है, जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट वाला बेस है, वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक पैन के अंदर 1 कप शक्कर और 1 कप पानी ऐड कीजिए। अब इसको आपको तब तक पकाना है जब तक कि शक्कर जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती है। शक्कर एक बार मेल्ट हो जाए और उसमें हल्का सा एक बॉईल आ जाए, इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है और शुगर सिरप को बस 1 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दो। 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के ऐड करने। अब इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कराओ, 1 टीस्पून xanthan गम पाउडर। इस इंग्रेडिएंट के बारे में अभी मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। इस शुगर सिरप को xanthan गम के साथ बस अभी आपको 10 से 15 सेकंड के लिए एक साथ ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद ये सिरप कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस सिरप को अभी ठंडा कर लीजिए और एक स्क्वीजी बॉटल या एक एयरटाइट कंटेनर जार में इसको स्टोर करके आप फ्रिज के अंदर 15 से 20 दिन तक रख सकते हो। हमारा कैफ़े वाला कोल्ड कॉफ़ी का जो बेस है वो रेडी हो गया है। तो ये जो बेस हमने तैयार किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए। अब काफ़ी सारे जो फेमस कॉफ़ी चेन्स होते हैं ये एक बेस हमेशा ऐड करते हैं। कई सारी कॉफ़ी चेन्स में ये बेस के अंदर ही कॉफ़ी का फ्लेवर या एसेंस भी मिक्स्ड होता है और वो एक्चुअल कॉफ़ी भी नहीं ऐड करते, लेकिन मैं आज कॉफ़ी अलग से ऐड करने वाला हूँ। हमने खाली शुगर सिरप का बेस तैयार किया है। अब ये बेस से होता क्या है, जो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट हमने ऐड किया है xanthan गम। xanthan गम बेसिकली एक शुगर को फर्मेंट करके बनाया जाता है और इसको एक थिकनिंग एजेंट जैसे यूज़ किया जाता है। ये खाली क्या करता है, हर चीज़ को साथ में बाइंड करके रखता है और एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर बन जाता है जिससे आपको एक टंग कोटिंग वाली सेंसेशन आती है, जिससे टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है कोल्ड कॉफ़ी का। xanthan गम कई सारी चीज़ों में होता है जैसे आइसक्रीम्स, थिक शेक्स वगैरह में ऐड किया जाता है और इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। अब xanthan गम बहुत इजीली ऑनलाइन या बेकरी स्टोर्स में मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं घर पे। अगर आपको xanthan गम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है तो डोंट टेक एनी टेंशन, उसके बिना भी आगे के प्रोसेस सेम कर सकते हो। खाली प्लेन शुगर मत यूज़ करना, एक शुगर सिरप, सिंपल सिरप जो है इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर और वाटर यूज़ करके इस तरीके से बना लीजिए और वो शुगर सिरप यूज़ कीजिए। उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं कंपेयर टू योर नॉर्मल शुगर। तो आप बाकी सारी चीज़ें भी बिना xanthan गम के कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमारा बेस तो रेडी हो गया है। अब बेस बनाते समय आपने और एक चीज़ देखी होगी कि मैंने गरम गरम सिरप ही मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। अब मैं तो हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करता हूँ और इसके अंदर आप गरम चीज़ें भी इजीली पीस सकते हो। मिक्सर ग्राइंडर को कुछ होने नहीं वाला है एक रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर के कंपेरिजन में। तो ईजिली हमारा सिरप जो है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर बन जाता है और इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। फ्रिज में रख दिया, जब भी कोल्ड कॉफ़ी बनानी है ये सिरप यूज़ किया और आगे आपकी कोल्ड कॉफ़ी एकदम परफेक्टली बन जाएगी। अब नेक्स्ट कैरामल फ्रैपुचिनो बनाने के लिए कैरामल सॉस कैसे बनाई जाती है घर पे वो देख लेते हैं। एक पैन में 1 कप शक्कर और 1/4 कप पानी डालकर उसको हल्का सा लेवल आउट कर लीजिए। अब इसे आपको मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करना है और शुगर को कैरामलाइज कर लेना है। शक्कर आपकी धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी और धीरे धीरे इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि इस प्रोसेस के टाइम पे आपको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, नहीं तो शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे इसके जो एजेस हैं इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पर आपको पैन को इस तरीके से हल्का हल्का स्वर्ल करना है ताकि शुगर जो है आपकी इवनली कैरामलाइज हो जाए। आप देख सकते हो शक्कर अच्छे से कैरामलाइज हो गई है। इस स्टेज पर फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और इसके अंदर फटाफट 4 टेबल स्पून ठंडा मक्खन ऐड करना है। मक्खन ऐड करते ही फटाफट इसको स्टर करना है। कैरामल बहुत गर्म होती है, सो बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। एक बार आपका बटर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करते ही इसके अंदर हाफ कप फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करके फिर से क्रीम को भी अच्छे से आपको स्टर करके मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कैसा सिल्की स्मूथ टेक्सचर आ गया है। इस स्टेज पर आपको इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और एक चुटकी भर नमक या सी सॉल्ट इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से अभी स्टर कर लो। आप देख सकते हो कि जो कैरामल सॉस है हमारी थोड़ी सी पतली है, इसे जब आप लेकिन ठंडा कर लोगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि कैरामल सॉस किस तरीके से गाढ़ी हो गई है, इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। हमारी कैरामल सॉस रेडी हो गई है। इसको एक स्क्वीजी बॉटल या एयरटाइट कंटेनर जार में फ्रिज के अंदर 20 से 25 दिन के लिए आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब कैरामल फ्रैपुचिनो बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में 1.5 कप्स बर्फ़, 3 टेबलस्पून हमारा शुगर सिरप वाला बेस, 2 टेबलस्पून कैरामल सॉस, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी और आधा कप आपको दूध डालना है और अभी इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए इनिशियली इसे स्लो स्पीड पे 15-20 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। इसमें क्या होगा, आपके जो आइस क्यूब्स हैं वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 15 से 20 सेकंड के बाद इसको एकदम फुल स्पीड पे कर दीजिए। फुल स्पीड पे करने के बाद और 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए आपको ब्लेंड करना है, जब तक कि एकदम सिल्की स्मूथ टेक्सचर नहीं आ जाता है। अभी मैंने कॉफ़ी को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसको अभी प्लेट करना है। प्लेट करने के लिए एक ग्लास ले लीजिए। अब इसके साइड्स पे आपको हल्की हल्की इस तरीके से कैरामल सॉस ड्रिजल कर देनी है। इसके बाद इसमें अभी कैरामल फ्रैपुचिनो पोर करनी है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है, एकदम थिक है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। कॉफ़ी आपने पोर कर दी, उसके बाद इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से हल्की सी विपिंग क्रीम इस तरीके से ऐड कर दीजिए और विपिंग क्रीम के ऊपर लास्ट में कैरामल सॉस इस तरीके से आप गार्निश कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी एकदम परफेक्ट कैरामल फ्रैपुचिनो रेडी हो गई है। तो आपने देखा कैरामल फ्रैपुचिनो बनाना घर पर कितना आसान है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। वो बिल्कुल भी आइस के बड़े बड़े पीसेज नहीं हैं, पानी दूध ये सब अलग अलग नहीं हो गया, आइस मेल्ट भी नहीं हुई है बिल्कुल भी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट कैरामल फ्रैपुचिनो के लिए। और टेस्ट भी जो है कैफ़े वाली कॉफ़ी से भी बेटर टेस्ट कर रही है। इसमें मैंने आज इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है, क्योंकि यूजुअली हम इंडियन घरों में इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करते हैं और इससे भी परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर घर पे आप एस्प्रेसो शॉट्स की आपके पास मशीन है तो आप इसमें 1 या 2 एस्प्रेसो शॉट्स आपके प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी रेसिपी और मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब घर पर जब बनाते हो आप इस तरीके के फ्रैपुचिनोस तो 2 चीज़ें होती है। एक तो मैंने आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता दिया, दूसरा जो है ब्लेंडिंग जैसे करते हैं हम लोग तो आइस जो है वो रह जाती है, उसकी वजह से वो सिल्की स्मूथ टेक्सचर नहीं आता है। और एक रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर में आइस बहुत हार्ड होती है तो आसानी से वो ग्राइंड नहीं होती है और उसकी वजह से वो टेक्सचर नहीं आता है। अब मेरे पास जो मिक्सर ग्राइंडर है जो मैं यूज़ करता हूँ वो हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर है और इसमें एक बहुत ही पावरफुल 1400 वाट्स रेटेड कमर्शियल ग्रेड की मोटर है जो आइस को बहुत आसानी से पीस लेती है और एकदम परफेक्ट टेक्सचर आता है। ट्रिपल मोटर, ओवरलोड प्रोटेक्शन, एडवांस्ड कूलिंग, अर्ली वार्निंग इंडिकेटर और ऑटो कट ऑफ फीचर्स की वजह से आपकी मोटर कभी जलती भी नहीं है। इसे आप सुपर स्लो मोड से सुपर फास्ट मोड यानी 3000 आरपीएम से 18000 आरपीएम तक आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपकी जो आइस है वो परफेक्टली ब्लेंड होती है, आइस क्रिस्टल्स रहते नहीं है और इसके अंदर एयर भी इनकॉर्पोरेट होती है, जिसकी वजह से आपकी कोल्ड कॉफ़ी का जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट आता है। इसके जार्स 100% लीक प्रूफ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शैटर प्रूफ ट्राइटन लिड्स हैं विद रोबस्ट गैस्केट्स एंड लॉकिंग टैप्स जो इसे एकदम सेफ और लीक प्रूफ बना देते हैं। ओवरऑल सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी नहीं, किचन में जितनी चीज़ें आपको ग्राइंड करनी है या ब्लेंड करनी है, चाहे वो वेट हो या ड्राई हो, आप एकदम प्रोफेशनल रिजल्ट्स के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ ग्राइंड कर सकते हैं हमेशा। तो बहुत आसान हो जाता है इसे यूज़ करना। अब नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट अवेटेड रेसिपी है, होममेड चॉकलेट और हेज़लनट स्प्रेड जो हम न्यूटेला जो बाहर से खरीद के लाते हैं वो घर पर एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपका पैन गर्म हो जाए तो लो फ्लेम कर दीजिए। अब इसके अंदर 2 कप्स हेज़ल नट्स यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। हेज़ल नट्स स्किन के बिना वाले मैंने यूज़ किए हैं। इन्हें अभी एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे आपको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक इनका रंग हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। तो हेज़ल नट्स को मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया है। इन्हें अभी एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार नट्स ठंडे हो जाए तो इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड आपको तब तक करना है जब तक कि हेज़लनट्स जो हैं अपना तेल पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते और एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाते। आप देख सकते हो कैसी लिक्विड कंसिस्टेंसी में हेज़लनट्स अभी आ गए हैं। अब इसके अंदर हाफ कप कोको पाउडर, 1 कप पिसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, चुटकी भर नमक और 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जब तक कि एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई है, टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है और हमारी चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड रेडी हो गई है। अभी इसे एक एयरटाइट जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फ्रिज में आप कम से कम 20-25 दिन महीने तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो घर पर चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड इस तरीके से बनाना बहुत आसान है और कई ज़्यादा बेटर होती है मार्केट वाले वर्जन में, क्योंकि आपको पता है आपने इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और परफेक्ट फ्लेवर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो बच्चों के लिए, और सिर्फ ये कोल्ड कॉफ़ी के लिए ही नहीं, कई अलग अलग जगहों पर जैसे आप स्प्रेड्स को यूज़ करते हो वैसे ही इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो और एक रेसिपी आपको आज मिल गई है इस वीडियो से। अगर आपके पास हेज़लनट्स नहीं हैं या आपको मिलते नहीं हैं तो इसकी जगह पर आप बादाम या वॉलनट्स भी यूज़ कर सकते हो। वो हेज़लनट वाला फ्लेवर नहीं आएगा बट चॉकलेट स्प्रेड बहुत बढ़िया बनता है, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। अब यही स्प्रेड यूज़ करके एक हेज़लनट चॉकलेट चिप फ्रैपुचिनो बना रहा हूँ जो बहुत ही डिलिशियस लगता है। कैसे बनाया जाता है फटाफट देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1.5 कप्स आइस, 2 टेबलस्पून शुगर सिरप बेस, 3 टेबलस्पून होममेड चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड, 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स, 3 चोको चिप कुकीज़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी और आधा कप दूध। अब आपको सेम तरीके से पहले स्लो मोड पे 15 से 20 सेकंड ब्लेंड करना है और फिर फास्ट पे 15 से 20 सेकंड। तो फ्रैपुचिनो को मैंने अभी ब्लेंड कर लिया है। अब एक ग्लास लेकर उसके अंदर इस तरीके से हल्की हल्की चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड लगा दीजिए, ये ऑप्शनल है। फिर इसके अंदर फ्रैपुचिनो को पोर कर दीजिए। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी और टेक्सचर एकदम परफेक्ट आई है। अब इसे गार्निश करने के लिए ऊपर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ऐड कर दीजिए, थोड़े से चॉकलेट चिप्स और थोड़े से कुकीज़ को क्रम्ब करके ऐड कर दीजिए और साइड में इस तरीके से एक चॉकलेट चिप कुकी के साथ गार्निश कर दीजिए। और हमारी हेज़लनट और चोको चिप फ्रैपुचिनो रेडी हो गई है। तो हेज़लनट चॉकलेट चिप फ्रैपुचिनो बहुत ही डिलिशियस लगती है। जितने भी चॉकलेट और कॉफ़ी फैंस हैं उनको ये फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। एक वो जो चॉकलेट चिप फ्रैपुचिनो बहुत जो फेमस है कैफ़ेज़ में मिलती है, अगर वो बनाना चाहते हो, हेज़लनट फ्लेवर अगर नहीं देना है तो बस स्प्रेड को आप 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप से रिप्लेस कर लो और वो बन जाएगी। तो मैंने आपको आज 2 वर्जन्स बताए हैं। इसी तरीके से कई अलग अलग वर्जन्स बना सकते हो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालकर। अब 2 ब्लेंडर वाले, मिक्सर ग्राइंडर वाले वर्जन्स आपको बता दिए फ्रैपुचिनो कैसे बनाते हैं एकदम परफेक्टली। अब जो आगे की 2 कोल्ड कॉफ़ीज़ हैं उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, फटाफट कुछ ही मिनट्स में बन जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले वो 2 कॉफ़ीज़ के लिए एक कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट यानी एक कॉन्कॉक्शन बनाना है। वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक ग्लास या बोल में 2 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी और 1/4 कप बॉइलिंग हॉट वाटर ऐड कर दीजिए। अब इसे बस अच्छे से 1 मिनट के लिए स्टर कीजिए ताकि जो शक्कर है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाए। और आप ये देख सकते हो हमारा जो कॉफ़ी का कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्कॉक्शन है, वो रेडी हो गया। अब आइस्ड कैरेमल माकियाटो बनाने के लिए एक ग्लास के अंदर 1 टेबलस्पून कैरेमल सॉस ऐड कीजिए जो हमने पहले बनाई थी। अब ग्लास को पूरी तरीके से आइस से भर दीजिए। 3/4 लेवल तक आपको चिल्ड फुल फैट मिल्क ऐड करना है और इसके ऊपर हमारा जो कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट है ये धीरे धीरे से पोर कर देना है और हमारी आइस्ड कैरेमल माकियाटो बस कुछ ही मिनट्स में रेडी हो गई है। तो आइस्ड कैरेमल माकियाटो भी आपको मैंने अभी सिखा दी है, बस कुछ ही मिनट्स में बन जाती है, आपको बहुत सारी तैयारी नहीं करनी है। तो इस तरीके से एक कॉन्कॉक्शन बनाया और ये तैयार कर ली। अगर आपको कैरेमल सॉस नहीं बनानी है और वो नहीं ऐड करनी है तो स्किप आउट कर दीजिए, आपकी बेसिक रेगुलर आइस्ड माकियाटो रेडी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। अब यही कॉन्कॉक्शन यूज़ करके और एक कोल्ड कॉफ़ी बनाता हूँ मैं घर पे, जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है और एक फ्रॉटी वाली कोल्ड कॉफ़ी बनानी है बिना ब्लेंडर के या मिक्सर ग्राइंडर के। तो इस तरीके से बनाता हूँ। एक ट्रिक, एक टिप आपको बता रहा हूँ जिससे आप दूध को बहुत ईजिली फ्रॉथ कर सकते हैं और बहुत डिलिशियस कोल्ड कॉफ़ी बनती है। वो कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक कॉकटेल शेकर या एक बड़ी सी बर्नी के अंदर 1/2 कप बर्फ़, जो कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए और आधा कप दूध ऐड कर दीजिए। अब इसे ढक्कन लगाकर या कॉकटेल शेकर को बंद करके आपको अच्छे से 2 मिनट के लिए शेक करना है। अभी होगा क्या, जो बर्फ़ है और दूध है जब वो आपस में अच्छे से शेक होएंगे एक बंद बर्नी के अंदर या कॉकटेल शेकर के अंदर, तो उसमें फ्रॉथ क्रिएट होएगी और उससे हमारे कोल्ड कॉफ़ी को बहुत फ्रॉथी टेक्सचर आएगा। इसको अच्छे से एक बार आपने शेक कर लिया है, उसके बाद ध्यान से बर्नी का ढक्कन या कॉकटेल शेकर को इस तरीके से ओपन कर लो। आप देख सकते हो इसमें ऊपर किस तरीके से फ्रॉथ आ गया है और एकदम फ्रॉथी कोल्ड कॉफ़ी बिना कोई इक्विपमेंट के रेडी हो गई है। इसे प्लेट कर लेते हैं अब YFL स्टाइल। तो हमारी दो बिना इक्विपमेंट वाली भी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो गई है और बहुत आसानी से कुछ ही मिनट्स में बन जाती है। और वो जो कॉन्कॉक्शन मैंने आपको बताया है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 5 लोगों के लिए बना रहे हो तो ×5 कर दो, शक्कर और कॉफ़ी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और आप फिर ईजिली फटाफट कोल्ड कॉफ़ी इस तरीके से भी बना सकते हो। और वो जो मिल्क फ्रॉथिंग वाली आपको जो टिप बताई है वो गेम चेंजिंग है, उससे बहुत ही अमेजिंग टेक्स्चर आ जाता है बिना कोई इक्विपमेंट के भी। तो आप ईजिली ये सारी कॉफ़ीज़ घर पे अपने बना सकते हो। 4 कोल्ड कॉफ़ीज़ मैंने आज आपको बताई है, तो ये बाहर जाके वो 300, 400, 500 वाली कोल्ड कॉफ़ीज़ नहीं खरीदने की ज़रूरत है। आप घर पर ही एकदम परफेक्ट कोल्ड कॉफ़ी, एकदम कैफ़े स्टाइल वाली ईजिली घर पर बना सकते हो। अब आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है हमारा आज का गिव अवे। गिव अवे मैं आपको आज दे के आ रहा हूँ, तो 3 विनर्स होंगे। सबसे पहले विनर को मिलेगा हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर, दूसरे विनर को मिलेगा हैमिल्टन बीच का ओवन टोस्टर ग्रिलर एयर फ्रायर, और तीसरे विनर को हैमिल्टन बीच का 2 स्लाइस ब्रेड टोस्टर मिलेगा। तो ये एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ और इस गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, योर फूड लैब और हैमिल्टन बीच इंडिया के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। स्टेप 2, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और स्टेप 3, आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करना है कि मैं अगर आपको ये हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर दूँ तो आप इसमें पहली चीज़ क्या बनाएंगे। तो बहुत आसान है इस गिव अवे में पार्ट लेना, तो जल्दी से पार्ट ले लीजिए। 5 अक्टूबर रात को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक आप पार्ट ले सकते हैं और विनर्स को हम 10 अक्टूबर को रिप्लाई करके उनके कमेंट्स पे नोटिफाई कर देंगे कि कौन जीता है। तो जल्दी से पार्ट ले लीजिए। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी योर एंट्रीज। ये सारी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपीज़ अपने घर पर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हैमिल्टन बीच इज अमेरिकाज़ #1 स्मॉल किचन अप्लायंस ब्रांड विद मोर देन 100 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इज ट्रस्टेड बाय टॉप शेफ्स वर्ल्ड वाइड। तो जल्दी से गिव अवे में पार्ट ले लीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful cold coffee recipe at your home. Cheers.